प्यासी है, बाबा का बच्चों से रूहानी संबंध तो अविनाशी है। प्यार भरता हर मन में, आत्मा जिसकी प्यासी है, श्वासो श्वास याद और सिमरण करता भव से पार। मनवारे 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 मनवारे। छह अक्टूबर 2020 आज की साकार मुरली का मंथन करेंगे। मीठे मीठे बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे जैसी बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, कितने जन्मों के लिए, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। ये जन्म 21 होते हैं या 20 होते हैं? एक संगम संगम युग का 21वां जन्म क्या सबका होता है? इक्कीस जन्म क्या सबके होते हैं? ये 21वां जन्म केवल और केवल उन आत्माओं का होता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, जिनके जन्म ही 83 हैं उनका 21वां जन्म नहीं कहेंगे। जिनके जन्म ही 82 हैं या कम हैं उनका 21वां जन्म नहीं कहेंगे, उनको भाग्य भी भविष्य भी 21 जन्मों का नहीं मिलेगा। अंतर समझ में आ रहा है? हीरा जन्म सबका ये है, चाहे किसी के 83 जन्म है, चाहे किसी के 80 जन्म है, चाहे किसी के 60 जन्म है, उनके लिए ये जन्म हीरे जैसा है। जिस दिन उन्होंने बाप को पहचाना और बाप को पहचानने के बाद अपने में सुधार लाना शुरू किया, सुधार लाना शुरू किया, ये डायमंड जन्म सबका है। परंतु ये डायमंड जन्म 21वां जन्म नहीं है। अंतर समझ रहे हैं? सुधार तो सबके अंदर आया ना। अब किसी ने सुधार 60% किया, किसी ने सुधार 70% किया, किसी ने सुधार 80% किया, किसी ने सुधार 90% किया, किसी ने सुधार 100% किया। जिसने 100% अपने आप को प्योर बनाया उनका 21वां जन्म, और जो अपने आप को 100% बनाएंगे उनका जन्म संगम पर होगा। संगम की आदि रचना हो, ये डायमंड जन्म 21वां नहीं है। श्री कृष्ण के साथ जन्म लेने वालों का 21 जन्म, और भी थोड़ा सा मिल सकता है उन्हें जो पहले 150 साल में जन्म लेंगे, उनको 21 जन्मों का मिलेगा, और जिन्होंने
पहले 150 साल से लेट जन्म लिया उनके तो जन्म ही 20 होंगे। डायमंड जन्म में और 21 जन्म में अंतर समझना है। वो आत्मा फिर नहीं आएगी स्वर्ग में? स्वर्ग में तो आएगी, परंतु एक जन्म लेट आई ना। जब वो एक जन्म लेट आई तो उसके 21 जन्म का तो सुख ना मिला ना उसको। डायमंड जन्म तो सबको मिला। डायमंड जन्म में और 21 जन्म में अंतर समझेंगे, क्योंकि अब तक हम क्या समझते आ रहे थे कि ये 21वां जन्म है जिस दिन हमने बाप को पहचाना। ये डायमंड जन्म है जिसमें हमारी चढ़ती कला होती है, परंतु चढ़ती कला हमने 100% की है तो 21 जन्म और क्लियर समझ सकते हैं। सतयुग के पहले 150 साल में जन्म ले लिया तब तो हमारे 21 जन्म हैं। यदि हमने पहले 150 साल में जन्म ले लिया तो हमारे 21 जन्म नहीं है, एक जन्म कम हो गया। फिर ये डायमंड जन्म हमारा 20वां है। फिर डायमंड जन्म क्या है हमारा, और लेट आए तो ये डायमंड जन्म हमारा 19वां भी होगा, डायमंड जन्म हमारा 18वां भी होगा, डायमंड जन्म हमारा 15वां भी होगा, डायमंड जन्म हमारा जितना लेट आने वाले हैं उतना कम होगा। अंतर समझ में आ गया। ये हमारा 21वां जन्म नहीं है, डायमंड जन्म सबका 21वां जन्म नहीं। अब ये बातें हमें बाबा क्यों बता रहा है सवेरे सवेरे? अच्छा भला हमने 21वां जन्म समझ के बैठा थे, अब ये दिमाग खराब कर दिया बाबा ने, क्या करें अब? ताकि अभी भी चेत जाएं, अभी भी पुरुषार्थ करना शुरू कर दें, पहले 150 साल में आने वाले बने, तब तो 21 जन्म स्वर्ग के हमें मिलेंगे। उसमें ये 21वां जन्म होगा। ये प्रश्न अनेक बार अनेक प्रकार से पूछा गया और समझ में अब आ रहा है। ये प्रश्न अनेक बार अनेक प्रकार से भाई बहनों ने पूछा परंतु समझ में अब आ रहा है। वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, बनना है 21 पूरे जन्म लेने हैं तो बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो। प्रीत बुद्धि माना कहना मानने वाले बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए, संकल्प ही ना आए अंदर कभी भी कि मेरे ऐसा कोई बोल निकल सकता हो जिससे किसी को दुख मिल सकता हो, ऐसा अंदर में संकल्प ही ना आए। इतना अपने संकल्पों पर चेकिंग करनी है। प्रश्न, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? उत्तर, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलना, तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे न
नंबर एक, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना। कोई भी आपके संबंध संपर्क में आए उसे तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ये आसुरी मनुष्यों का काम है। नंबर दो, मनसा में कभी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। नंबर तीन, निंदा करे कोई दुखी नहीं होना, स्तुति करे कोई खुश नहीं होना, मान अपमान सब कुछ सहन करना। अब तक हम भक्ति मार्ग में सुनते थे निंदा स्तुति यश अपयश मान अपमान, ये सब विधि हाथ है। हम समझते थे भगवान के हाथ है, जिसकी निंदा करावे, जिसका मान करावे, जिसका अपमान करावे, जिसको यश दिलावे, जिसका अपयश दिलावे। परंतु बाबा ने एक ही झटके में, तुम्हारे हाथ है, मेरा कोई मतलब नहीं। किसी की निंदा स्तुति मान अपमान करने को सब कुछ ठीक है, जो भी तुम करो ठीक है। क्यों कर रहे हैं वो? हाँ, क्यों कर रहे हैं वो? हमने जैसे किया था वैसे वो कर रहे हैं, हिसाब बराबर कर रहे हैं, फिर हम क्यों दुखी हों? अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहे, हाथ में लौ नहीं उठाना है, हाथ में लौ नियम नहीं उठाना है, अपने हाथ में कानून नहीं ले लेना है। गीत चला, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। कौन प्यार का सागर है? ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है, भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं, और तुम बच्चे जो यहां बैठे हो तुम किसकी महिमा सुनते हो? तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है, वो किसकी महिमा करते? देवताओं के जड़ मूर्तियों की। देवताओं को तो जानते ही नहीं। रात दिन का फर्क है, कहां जड़ मूर्तियां और कहां चेतन शिव बाबा। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते थे, जड़ मूर्तियों में और देवताओं में अंतर है ना, मेरे में और मेरी 10 मूर्तियों में अंतर है ना। मेरे से कोई कहे तो पानी का गिलास उसको मिल जाए, और मेरी मूर्तियों के आगे सिर पटक ले, मजाल जो देख भी जाए। बोलो, ये बात हमें कभी समझ में नहीं आई थी। भी कहीं राम खड़ा हो, शायद वो हमारी बात सुन ले। अब उसकी जड़ मूर्ति कहां से सुनेगी? हम ब्राह्मणों ने इतना बुद्धू बनाया, खुद को तो बनाया सो बनाया, सारी दुनिया को बुद्धू बनाया। इतना प्यार नहीं है, सिर्फ महिमा गाते हैं, महिमा गाते हैं मूर्तियों के आगे जाकर, पर तो उनसे प्यार नहीं है।
क्या सबूत है कि उनसे प्यार नहीं है? उनका कहना ही नहीं मानते, उनके द्वारा शास्त्रों में जिन शास्त्रों के आधार पर उन्होंने उनको ईश्वर समझा है, उन शास्त्रों में भी फिर भी कुछ अच्छी बातें मानने के लिए दी हैं, नहीं मानते। क्यों? क्योंकि पहचान नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूं और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूं। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है, वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं। ये तुम यहां सीखते हो, किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा लून पानी कहते हैं, अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं, जानते हो। हम सब भाई बहन हैं, शांति धाम में हैं तो भाई बहन हैं, शांति धाम में हैं तो भाई भाई हैं। यहां जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो बहन भाई हैं, ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते, वैसे हम भी वे कार्य करते हैं। हमारा बाप सबको सुख देने वाला, और हम क्या देते हैं? अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दूसरे प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विनश्यन्ति हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दुख को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वे तो हैं ही आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमान है। वे कभी याद की यात्रा में रह ना सके, याद की यात्रा में रह ना सके। याद की यात्रा बिगर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते आतंक करते रहते हैं, वे आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। फल पुरुषार्थी हैं, ब्रह्मा कुमार बन गए हैं, जन्म ले लिया है, तो भी कब तक दुख देते रहेंगे? कब तक देते रहोगे? इसलिए बाबा कहते अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसको दुख मत दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है, सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना है। ऐसे नहीं कि उनके लिए चार उसने कहे, दो तो मैं बोलूं, वह चार बोल रहा है, वो कम से कम मैं दो चार ना बोलूं, दो तो बोलूं कम से कम, एक तो बोल दूं, पता तो चले कि हमारे हम भी कुछ हैं, एक भी नहीं।
कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना, बच्चे को कह नहीं सकते। आपस में भाई एक दूसरे को कहे तो ना सुने, बाप समझाएंगे तो अपने हाथ में ला नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दुख को घुसा जा सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है, फैसला करना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, शिव बाबा के पास आओ, हाथ में ला नहीं लो, ये तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते रोज कचहरी करो, ये भी समझते नहीं शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। शिव बाबा ऑर्डर करते हैं, बाबा ने कहा है हमेशा समझो, हमेशा समझो, शिव बाबा सुनाते हैं। ऐसे मत समझो कि ब्रह्मा सुनाते हैं, हमेशा शिव बाबा ही समझो। मुरली हमेशा क्या समझो, शिव बाबा ही समझो, तो उनकी याद रहे तो कहना मानना आसान हो। हम ब्रह्मा का कहना क्यों माने, शिव बाबा का कहना मानना है ना। ये शिव बाबा ने रथ लिया हुआ है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए, सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वो है गुप्त और तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं, जो भी डायरेक्शन निकलते हैं, समझो शिव बाबा के, तो तुम सुरक्षित रहेंगे। तुम बाबा बाबा किसको कहेंगे, शिव को ही कहते हो। वर्षा भी उन्हीं से मिलता है, उनके साथ कितना रिगार्ड, रॉयल्टी से चलना चाहिए, तुम कहते हो ना बाबा। हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, क्या बनेंगे हम, फिर सेकंड थर्ड बने, चाहे सेकंड बने चाहे थर्ड बने, ऐसे एक फर्स्ट लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सेकंड लक्ष्मी नारायण बनेंगे, थर्ड लक्ष्मी नारायण बनेंगे, आठ गद्दियां चलेंगी। सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने, ऐसे तो नहीं कि हम बलदास दासी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है, तुमको तो देवी गुण ही धारण करने, आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे ये कह देते, इनमें शिव बाबा आते, हम तो नहीं समझते, हम तो नहीं समझते शिव बाबा इनमें आते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते, आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती हैं, फिर मुख से क्या निकलेंगी, बाप कहते तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो। तुम आत्मा क्या बनते हो, रूप बसंत, ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हो, जिससे सारे संसार में तुम्हारी खुशबू फैलती है, खुशबू फैलती है। ज्ञान स्वरूप बनके चारों तरफ खुशबू फैलाने वाले,
तुम्हारे मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि। गीत भी बच्चों ने सुना, बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते, अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते। क्यों? देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तभी तो इतना उच्च पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। ये भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते हैं। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है, फिर श्री नाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो? शिव के मंदिरों में भी है, तो पत्थरों का ही लिंग। शिव के मंदिरों में क्या है? पत्थर का ही लिंग। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वो गिरते गिरते घिस घिस कर गोल हो जाते हैं, लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत। सोना पहाड़ों से निकलता है तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं। जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं वो बेचते हैं, मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बहुत पैसे बर्बाद किए, फिर जान छुड़ाने के लिए क्या क्या लाइन बताई है। ये भी ड्रामा में पार्ट है, टेंशन मत आओ। ये भी ड्रामा में जो तुमको धक्का खाना पड़ता है, ये है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है, ज्ञान है सुख और सुख का रास्ता, ज्ञान से सत्युग की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी बनते हैं, प्रजा सब नरक के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा, अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। और ऐसे स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं, ज्ञान की बूंदें मिल रही हैं, ज्ञान की बूंदें मिल रही हैं। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, तो स्वर्ग में जरूर आएंगे।
बाकी है पुरुषार्थ। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाएंगे, वो समझते हैं। लोटी भरकर ले जाते हैं रोज, उनको उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं, ठीक है। वो एक बूंद सारे पानी को क्या कर देती है, वो तो समझते साफ कर देते। विलायत में भी गंगा जल भर कर ले जाते हैं, लोटी भर कर ले जाते, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिला स्नान करते हैं, वो जैसे गंगा स्नान हो गया। विलायत में भी गंगा जल भर कर ले जाते हैं, ये सब है भक्त। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है, इसलिए कचहरी करो, आप पे ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। तुम अपने को आप पे ही राज तिलक देते हो, तो अपनी जांच करनी है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्री मत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, देवी गुण धारण करो, जो करेंगे वो। जो करेंगे वो पाएंगे। तुम अपने को आप पे ही राज तिलक देते हो, अपनी जांच करनी है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्री मत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वही। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। कौन पढ़ाता है हमें, बेहद का बाप मिला, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण करेंगे। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है, घड़ी घड़ी याद करना है, निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं। चलते फिरते, चलते फिरते याद करना है। कल भी क्या कहा था बाबा ने, टिकट लेके ट्रेन में जाके, आज भी बाबा ट्रेन पकड़ के बैठा है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो, तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंचते ऊंच कौन, सबसे सर्वोच्च कौन, उनको याद करो, उनसे वर्षा ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्प काल के लिए। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए। सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते हैं यहां तो 21 जन्मों की गारंटी है,
बाबा क्या ले रहे, गारंटी है। वहां ये पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से ये वर्षा लेकर आए हैं, सत्युग में हम चले जाएंगे, परंतु वहां पता नहीं पड़ेगा कि हमें ये वर्षा किसने दिया। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छा करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ा खुद मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा कि हम कहां कहां गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधारेंगे। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते गफलत छोड़ो, गफलत माना फिर कर लेंगे, अलबिलापन आलस। नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा जो अब लेंगे। दास दासियां जाकर बनेंगे, आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे फलानी दासी है ये है, फिर बाबा ने बंद कर दिया पिछाड़ी में, फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बगैर सजा कैसे मिल सकती है, पहले तो दिखाएंगे, कायदा ही नहीं है, बताना तो पड़ेगा कि किस पाप की सजा आपको मिल रही है। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती हैं। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम मां शत्रु है, इन पर बच्चों की इन पर जीत पहनो। काम महाशत्रु है, बच्चों को इन पर क्या पहननी है, जीत पहननी है। माया जीते जगत जी। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाए, बता दो। पति को समझाओ कि तुम्हारे कारण हम अपवित्र बन नरक में जाएं या पवित्र बन सब्जेक्ट पर जाएं। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बने, बहुत प्यार नम्रता से समझाओ मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। ऐसी बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती। ऐसी बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती है। फिर पति कहता है ये हमारा गुरु है, हमने इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया।
बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं, कभी जीत कभी हार भी होती है, तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वो प्यारे भी लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर नहीं चलते तो तूफान गिर पड़ते हैं। ऐसा भी है, वो क्या काम के रहेंगे बताओ, ये पढ़ाई कोई कामन नहीं है। और सब सत्संग आदि में तो है कर्ण रस, जिससे अल्पकाल का सुख उनको मिलता है, ये बाप द्वारा तो 21 जन्मों का, एक जन्म दो जन्म नहीं, 21 जन्मों का सुख का मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है, हमको भी बाप से वर्षा मिलना है, सेवा करेंगे ऐसे दे देगा, सेवा करेंगे तो मिलेगा, जितनी करेंगे उतना मिलेगा। इसलिए बैज सदा पड़ा रहे, हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं माया ने ये विकर्म करा दिया। कोई सच बताते हैं, कोई सच नहीं बताने से क्या हो जाता है, फिर 100 गुना दंड पा लेते हैं। आज तक हम सुनते आए थे एक का 100 गुना दंड मिलता है, आज बाबा सिखा बता रहे हैं कैसे 100 गुना दंड मिलता है। फिर वे आदत बढ़ती जाएगी। आपने बाबा को बताया नहीं तो आदत बढ़ती जाएगी, बाप को सुनाएंगे तो बाप आपको सावधान कर देंगे, फिर आप नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे, क्योंकि आगे आप पाप नहीं करेंगे। और नहीं तो सुनाते नहीं, छिपा लेंगे, फिर करते रहेंगे, श्राप मिल जाता है ना बतलाने से। एक बार के बदले 100 बार कर लेते हैं, वही पाप करते रहेंगे ना, तो 100 बार करेंगे तो 100 गुना, 1000 बार करेंगे तो कर्म आपने किया ना, कर्म रोका नहीं ना, नहीं बात है ना। बाबा कितना अच्छी राय देते हैं, खुद ही कहते हैं, बच्चे तो बोलेंगे नहीं, बाबा खुद ही बोल देते हैं। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं, अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा, ये बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो नंबर निकलते हैं ना, इसके कितने नंबर आए हैं, ट्रांसफर होने वाले होने पहले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपनी क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जोर जार रोएंगे। क्यों रोएंगे, फिर क्या,
फिर क्या कर सकेंगे। रिजल्ट तो निकल गए ना, तो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था अब भी हो नहीं सकती। कर्मातीत अवस्था कहाँ होती है? परम धाम में। कर्मातीत अवस्था सिर्फ परम धाम में होती है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा। अभी कुछ ना कुछ विकार में रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता। चाहते हैं परंतु कर्म विकर्म ऐसे किए हुए हैं वो हमारी बुद्धि को खींच ले। फिर योग पूरा नहीं लगता। अभी फिर अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नजदीक आने से फिर बहुत बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर है और अवस्था पर है और विनाश पर। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर, जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे। क्या देखेंगे? लड़ाई सिर पर खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो पश्चाताप करना पड़े। बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं बोलने। संघ का बहुत बहुत संभाल करना है। श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान है आज का, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। वह जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, साधन संसार के उनमें मिक्स कर देते हैं। शाही में बाल पेन भी देखे होंगे, खुशबू वाले आते हैं। ऐसे बहुत सारे सामान जिनमें सेंट मिला देते हैं, रबड़ है, पेंसिल है, इनमें से। ऐसे आप शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख शांति प्रेम आनंद की खुशी अनुभूत करने का। ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड पर मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब आशी करो, गुलाब के पानी का छिड़काव। सिर्फ संकल्प क्या का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो समाप्त हो जाएगी। सिर्फ क्या करो?
तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो खत्म हो जाएगी। तुम अपना स्विच ऑन करो श्रेष्ठ संकल्पों का, तो ये बदबू तुम्हारे शरीर से स्लोगन है आज का। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके अनेक प्यारे अनेक भक्तों की निशानी, यही उनका बाप से सच्चा सच्चा प्यार। ओम शांति।